इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। स्टेज पे सभी इज्जत खास करके मौलाना रणवीर हाशमी साहब जो बीजापुर से यहाँ तक आए हैं, उनका इस्तकबाल करते हुए और शुक्रिया अदा करते हुए, आप सबको याद होगा कुछ साल पहले खंजर गली मोहल्ले में एक कब्र उभर के आई थी। हमने उसका नाम बाद में करंट बाबा रखा। वो मसले को हल करने में बहुत ही साथ दिया मौलाना ने, आज भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। अगर वो मामला नहीं सुलझता तो आज तक भी बाबा बुडंगिरी जैसा लटका हुआ रहता। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सभी ने तो बात की है, कहने को कुछ ज़्यादा रहा नहीं, मगर हम सब जरूर कोशिश करेंगे कि बीजापुर का ये जो आपका प्रोग्राम है, ये सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से एक प्रोग्राम ऐसा हो जिसकी आवाज़ दिल्ली के जुल्म करने वालों के कानों तक जाए और उनके पैरों को थोड़ा ढीला करें। इंशाल्लाह बेलगाम से ज़्यादा तादाद में हम आने की कोशिश करें। आप सबसे गुजारिश है, जो खुद से अपने आप से जा सकते हैं वो नाम लिखवाएं अंजुमन में, जो जमात से ग्रुप में 20 30 40 लोगों का ग्रुप जाना चाहता है वो भी लिखवाएं। कुछ हम कोशिश करेंगे, कुछ बसेस अरेंज करेंगे। दोपहर 3 बजे का प्रोग्राम है, शाम के 8-9 बजे तक चलेगा, तो यहाँ से करीब 10-11 बजे निकलना पड़ेगा और रात को 11-12 बजे तक इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि लाखों की तादाद में जब लोग जाएंगे तो आपने खाने का तो इंतजाम किया होगा, नामुमकिन है। तो हम तोशा बांध के लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, यहीं से रास्ते में आते जाते खा लेंगे। क्यों अर्शद भाई, आपकी तरफ से बिरयानी खाएंगे, किसी और की तरफ से कुछ और खाएंगे। अब सीरियस बात, हम और आप जानते हैं, मानते हैं और बार बार इन सब ने याद भी दिलाया है कि नमाज आप पे फर्ज है, रोज़ा आप पे फर्ज है, हज भी आप पे फर्ज है। और कुछ मामला में एग्जेम्पशन है, जैसे हर कानून में होते हैं, मगर वो एग्जेम्पशन का बहाना लेकर के हम साहेब हैसियत नहीं है करके उसके बारे में नहीं सोचने का नतीजा आप देख रहे। आज मेरे पास पासपोर्ट अगर है तो मैं 10-20 साल के बाद में भी हज की नियत कर सकता हूँ कि अल्लाह मुझे उतना हैसियत पर बना दे के मैं हाजी बनूँ और तेरे तरफ से मेरा हज कबूल हो। ऐसे तो हमने कभी दुआ की नहीं और सोचा भी नहीं, तो उसके लिए बहुत से लोगों के पास आज डॉक्यूमेंट नहीं है, यही हमारी सजा है। एक हर वक्त हमें कहीं ना कहीं पेपर दिखाना पड़ता ही, हम आपका हुक्म सर आंखों पर, हम किसी सरकारी लोगों को पेपर नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, रखेंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं, ये हमारा सबका वादा है। लेकिन अंजुमन के प्रिंसिपल बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर एडमिशन देती नहीं है, ना सरकारी स्कूल में मिलता है, ना कोई गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है, ना कॉलेज में मिलता है। क्यों मुल्ला वकील साहब, सही कह रहा होगा, ये तो ज़रूरी है। राशन कार्ड होगा तो राशन मिलेगा, आधार कार्ड होगा तो बैंक अकाउंट खुलेगा, पैन कार्ड होगा तो मेरा हिसाब किताब चलेगा, GST नंबर होगा तो कारोबार चलेगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए कागजात एक अहम ज़रूरत है। रोज़
ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मौलाना ने कहा, ये सब अपने पास हम रखेंगे, दिखाएंगे, इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं कि जालिम जान बूझ कर हम पे जुल्म करने की कोशिश कर रहा है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, हम डॉक्यूमेंट सामने रखेंगे, बोलेंगे मगर इसको हम नहीं दिखाएंगे, इसको हम चैलेंज करेंगे, ये हमारी जिद होनी चाहिए। जैसे स्वराज मूवमेंट में हमने विदेशी कपड़ा पहनना छोड़ दिया है, हैसियत होते हुए भी ये इसी तरीके के ये मूवमेंट्स की दिशा और नजरिया हमारा यही होना चाहिए कि हम नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहे, रहेंगे नहीं दिखा रहे, इतना आप याद रखिए। और कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ ना कुछ होता है, इसलिए तो हम और आप हैं यहाँ। बाकी रही बात ये क्यों हो रहा है, ये बार बार हमें बुरा क्यों कहा जा रहा है, ये बार बार पाकिस्तान का नाम, मुझे शायद ही कोई हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान को याद भी करता है या नाम भी लेता है, मगर बीजेपी का हर जो है प्राइम मिनिस्टर से लेके कार्यकर्ता तक उसके जुबान पे दिन में 10 बार वो पड़ोसी देश का नाम आता ही है, क्योंकि उसमें उसको फायदा है। हमें जितनी गालियां देते हैं वो लोगों को, अपने लोगों को पोलराइज कर रहे हैं अपनी तरफ, और हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, हम कमजोर हैं जवाब देने में। जवाब देते हैं तो फिर जिसको जवाब नहीं देना चाहिए वो दे रहे हैं। अगर समझदार लोगों पर ये बात छोड़ दी गई कि भाई ये इनकी जिम्मेदारी है, फलाना फलाना लोग ही इनका जवाब देंगे, हम खामोश बैठेंगे। हमारी आदत ऐसी है कि एक आदमी बात करता है तो 100 लोग सामने से बात करते हैं। लीडरों की कमी नहीं है मौलाना हमारे पास, लीडर्स एक्सेस में है, सरप्लस लीडर्स हो गए हमारे बीच में, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एक एक मस्जिद में 5-5 मुतवली है, टर्न बाय टर्न, वो एक बार जाते तो पता दूसरा मतलब मैं मुतवली हूँ, खिला तो वो नहीं है, ये हालात से हम गुजर रहे हैं। और फिर जवाब नहीं आएगा तो क्या होगा, उलमाओं की इज्जत करना हमने छोड़ दी है, माँ बाप की नहीं करते तो फिर दूसरों की क्या करें। तो ये जिम्मेदारी जो मोहल्ला और मस्जिदों के हेड है, वो अपने अपने एरिया के कमांडर्स हैं, और आप अगर कमांड नहीं करेंगे तो फिर फॉलोअर्स आपको कहाँ से मिलेंगे। आप हर एक को खुश करने के नजरिए से काम करेंगे, खुशामद करेंगे तो फिर आप कमांडर नहीं बन सकते। आप राजीनामा दे करके बैठ जाइए, कोई और आपका काम करवा लीजिए, उस वो करेगा, मगर जब तक आप नहीं जोड़ेंगे, बड़े की और छोटे के बीच का जो फर्क है, जो शर्म का पर्दा है, जो इज्जत का रिश्ता है, वो ही खत्म हो गया है आज। और हम और आप जानते हैं छुपाने की बात नहीं है, इसमें छुपाने की क्या बात है, कौन सा नौजवान आज आपकी बात सुन रहा है, वो कौन कौन से कारोबार में है, ना हम बैंक चला सके, थोड़ी एक बात हो फिर कभी करेंगे, मगर बहक जाते हैं हम बहुत जल्दी बहक जाते हैं। गैर कानूनी काम, गैर काम, हलाल हराम का फर्क, यह हम सब सब छोड़ दिए। हमें इज्जत करनी है हमारे उलमाओं की, हमारे सीनियर्स की, हमारे पेशवाओं की, हमारे बागी साहब की। बागी साहब आप आजकल सिर्फ साफ सफाई के लिए रखे जा रहे हैं, उनकी क्या इज्जत हम करें दिल पे हाथ रख के, आप बताइए, आप खुद से बताए। तो फिर हमारे साथ जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं इशारा है हमको कि आप सुधर जाओ, बस हो गया, और जैसे हम सुधरते जाएंगे वैसे पार पड़ते जाएंगे इंशाल्लाह। और ये बातें फिर कभी आपस में करें, हम सामने जुड़ के रहना, मिल के रहना, कौन बात करे कौन नहीं करे ये हम फैसला करें, यहाँ पर हर मोहल्ला वाइज है। गाँव शहर में बहुत से सीनियर लोग हैं, उनकी इज्जत कीजिए, आप उनसे मशवरा कीजिए, उनकी एडवाइस लीजिए कि ये मामला आ रहा है सामने, आप मिल करके इसका जवाब दीजिए, हम आपके पीछे 10,000 खड़े रहेंगे, बात नहीं करेंगे, नारे नहीं लगाएंगे, बीच में 20-30 हज़ार लोगों का
मजमा निकला, जुलूस हुआ, मौलाना साजिद साहब, मौलाना सलीम साहब मिलकर के, बादशाह वगैरह मिलकर के बड़े अच्छे तरीके से अरेंजमेंट हुआ। पुलिस परमिशन मिली। क्या हुआ आते वक्त? तीन पत्थर, दो कांच, दो कांच की कीमत 1500 रुपये, तीन पत्थर। जितना बड़ा जुलूस था वो बदनाम हो गया। पीसफुल था एक वापस जाने की वक्त। तो ये इसकी जिम्मेदारी, ये कौन बच्चे थे, कहाँ के थे, कौन से मोहल्ले के थे, कौन से लीडर के फॉलोअर थे, ये देखना और उंगली उठाना ये ज़रूरी है। नहीं तो फिर किसी और के कारनामों के वजह से आप और हम बदनाम हो रहे हैं। और वक्तों में जो चला है वो हरकतों से एक बहुत ही गरीब मासूम मुसलमान बदनाम हो रहा है। सीरिया में क्या हो रहा है उसकी बातें यहाँ हो रही हैं। तो हम क्यों किसी के जिम्मेदार बने? हम सच को सच, सही को सही कहने सीखें, गलत को गलत किसी में अलग रखें, गलत करने वालों का फ़र्क करके उनको बाजू में रखें, तब जाके हम और आप अच्छे दिखेंगे। न तो भीड़ में हम सब वैसे ही दिखने लग जाएंगे। एक बात है, पैदा करना, ख़त्म करना, इज्जत मौत इज्जत हर चीज़ अल्लाह की, उसके हुक्म पे चलती। तो इसलिए मौलाना ने कहा कि सिवाय अल्लाह के मांगना और किसी और से डरना यह गैर इस्लामी है। हम नहीं डरेंगे, कभी भी नहीं डरेंगे, इंशाअल्लाह अब तक भी नहीं डरे। हम सब इकट्ठा रहेंगे तो हिंदुस्तान में आज ये 12-14% बोलते हैं, हम कहीं ज़्यादा है, गिनती होगी तो 25 करोड़ की होगी, कम से कम 25 करोड़ की होगी। NPR के बहाने से ही आपके घर तक आके इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे और NRC में आपके खिलाफ इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आसाम का फार्मूला फेल हुआ, उसलिए CA आया कि वो जो 14 लाख गैर मुस्लिम थे उनको कैसे बचाएं, इसलिए आया है। 5 लाख मुसलमानों की वजह से नहीं आया। तो हमें ये सब बातें याद रखें, कानूनी कार्रवाई हर वक्त हम क्या करते रहे ये हम बड़ों पर छोड़ देंगे। उन्हें हर तरीके से माली इल्जाम की जरूरत पड़ेगी, जो सेंट्रल बॉडीज बनेगी उन्हें सपोर्ट करना भी हमारा काम होगा कल। इतना आप याद रखिए और ये बहुत ज़रूरी काम होंगे। बेलगाम में तो कलेक्शन करके जहाँ पहुँचाना है वो पहुँचाएंगे, हम नहीं जाते आज तक, किसी ने मांगा नहीं है, लेकिन इसके लिए भी हम सब तैयार हैं। अपनी आधी दौलत भी हम देंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये हम सबका इरादा है। इतना कहते हुए मैं आपको एक छोटा वाक्य बताता हूँ। मेरे इलेक्शन के दौरान मैं मेरे एक हिंदू दोस्त थे, सपोर्टर के साथ में, जो शायद बेलगाम में सबसे बड़ी ऊँचियाँ रखते हैं और सबसे बड़ा टीका लगाते हैं। हम गए थे अमीना मस्जिद, उन्हें लेके गए साथ में, हमारे अरशद मोमिन साहब थे, शायद फिरदौस दरगाह साहब भी थे। तो मस्जिद के अंदर गए तो वो जाके देखे, कबाट में, कांच में कुरान शरीफ और बाकी किताबें थी मजहबी। तो बोले ये इतना ही होता है? उनका ये मेम्बर है, ये हमारा किबला रुख है, ऐसे नमाज पढ़ते हैं और लोग पीछे पढ़ते हैं। फिर ये क्या लिखते हैं अंदर? आपका लिटरेचर अलग होता है, हथियार होते हैं, ये होता है। अब ये तो प्रोपेगेंडा था, आज भी है। हमने अड़ोस पड़ोस के गैर मुसलमानों को कभी बुला करके मस्जिद में दावत दी नहीं, कभी भी नहीं दी। अगर दी है तो एक दो चार लोगों ने कोशिश की होगी, उनके ऊपर भी हमारे लोगों ने ही उंगली उठाई। हम चाहते हैं कि आप अगर उसको बढ़ाना चाहते हो, अगर उनसे हमदर्दी चाहते हो, तो हम भी तो उनके हमदर्द बने। अगर ये कोशिश बड़े मिल के करें, नौजवान उनको हिम्मत दें और उन को सपोर्ट करें, तो ये भी एक अच्छा तरीका होगा कि जहाँ पेरेंट्स वाले लोग हैं उनको पहले बुला कर, कुछ नहीं अगर वो तबरुक में या प्रसाद में मानते हैं तो जुमेरात के दिन बुला के थोड़ा सोजी हाथ में दे, खुश हो जाएंगे, यकीन मानिए।
बाकी उनको कुछ लेना देना है, थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाइए, ट्रांसपेरेंट बन जाइए, ओपन हो जाइए, दिखाइए क्या है, सच दिखाना, क्योंकि सच सच बहुत साफ है और हमारे मतलब बात साफ कोई है नहीं, सारी दुनिया में कोई मतलब नहीं है, तो दिखाने में क्या डरना है, क्या शर्माना है, और उनके आने से कुछ गंदगी होने वाली नहीं है, बहुत ही बहुत साफ है, छोटे मोटे कचरे को बाद में साफ कर लेंगे इंशाल्लाह। इतना कहते हुए अगले दो तीन दिन में आप में से जो भी मोहल्ले से जो भी जमात से लोग जाना चाहेंगे, एक लिस्ट राजीव शेख साहब तक आप पहुँचाई। हम चाहते हैं कि कम से कम 1000 लोग तो बेलगाम से जाए, आने जाने का इंतज़ाम इंशाल्लाह हम खुद करेंगे आप सबके लिए, हर हफ्ते दोस्ती भी बढ़ जाएगी, बस में जाएंगे तो एक दूसरे के करीब भी आ जाएंगे, ज़्यादा बस एक दिन का मामला रहेगा, वो आखिर अलहमदिल्ला। हज़रात, मुल्क के हालात पर रोज़ाना आप कीमती से कीमती गुफ्तगू अपने मुख्तदर मेहमान उलमा और अपने कायदीन से सुनते रहे। आज भी अंजुमन इस्लाम की तरफ से ये बड़ा कीमती ये इजलास जिसमें हम सब मौजूद हैं, इस मौके पर मैं इंतहाई तहे दिल से जुमला शुरका इजलास अपने मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस अंजुमन इस्लाम की तरफ से मैं तनवीर मिल्लत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद तनवीर हाशमी साहब रहमतुल्लाह दामन बरकातहू अल-क़ुदसिया का शुक्रिया अदा करता कि आपने अपने कीमती लम्हात में से एक बड़ा कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और बेलगाम के उलमा ज़िम्मेदारान और आवाम के सामने बड़ी कीमती बातें रखीं। इसी तरह आपके साथ आने वाले अहले इल्म का एक बड़ा वफ्द है आपके काफ़िले में, जुमला आपके शुरका जो आपके साथ शरीक हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ अंजुमन इस्लाम की तरफ से स्टेज पे मौजूद जुमला हमारे बेलगाम के मुफ्तियाने किराम उलमा ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस कायद मिलत जनाब मोहतरम अलहाज फिरोज़ रोहरुद्दीन शेर साहब का तहे दिल से अंजुमन इस्लाम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब, हजरत सैयद गडकरी साहब और हजरत मौलाना बादशाह साहब, बीजापुर से तशरीफ लाने वाले हजरत मौलाना शाकिर कासमी साहब और हमारी जमात के बड़े कदीम बुजुर्ग हजरत मौलाना नसीरुद्दीन साहब और दीगर जुमला मेहमानान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने बड़े कीमती वक्त इसके लिए दिया, परवरदिगार आलम हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। हमारी तरफ से जो जद्दोजहद है, जो एहतजाजात जारी हैं, जो कोशिशें जारी हैं, अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारी इन कोशिशों को कामयाब करें और हिंदुस्तान में मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। अमाला अलीना इल्ला बला इशा की नमाज का इत्तेमाम है और साथ साथ आपकी तरफ आपके लिए खाने का भी इंतज़ाम है, मैं आपकी खिदमत में दावत पेश करता हूँ, ज़रूर आप मुस्तफ़ीज़ होकर तशरीफ़ लाएं। इसी तरह हमारे दरमियान हमारे शहर बेलगाम के एक इंतहाई इल्मी और फंड कानून के मैदान कानून के बड़ी मुआज़ शख्सियत जनाब एस पी शेख साहब, डॉक्टर एस पी शेख साहब, जिन्हें न जाने दुनिया के कितनी यूनिवर्सिटियों से एजाजी डिग्रियाँ डॉक्टरेट की मिल रही हैं, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमारी कौम के लिए कीमती असासा हैं। इसी तरह दूसरे सारे एडवोकेट जो हर मंजिल पे हमारे साथ लब्बे कहते हुए अपनी खिदमतें दे रहे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ इस मामले में बेलगाम ज़िला बेलगाम के एक्शन कमेटी के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुसलसल करीब 1.5-2 महीने से इसी सिलसिले को आगे बढ़ाए हुए हैं। मैं उन सारे जिम्मेदारान का, आइम्मा मसाजिद का, उलमाए किराम का और मस्जिद के मुतवल्लियान का, इदारों के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। परवरदिगार आलम आप सबको जज़ाए खैर अता करें।